साई तेरे चरणों में कोटि प्रणाम। 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 शरण में ले लो साई प्रभो। शरण में ले लो साई प्रभो। शरण में ले लो साई प्रभो। नमस्कार, साई वाणी में आप सबका स्वागत। मेरे प्रिय आत्मन, प्रारंभ करो जारी रखो इस विचारधारा के माध्यम से साई वाणी को प्रारंभ किया और हजारों करोड़ों लोग पूरे विश्व से जुड़ गए। मुझे बड़ी खुशी है, मुझे बड़ा विश्वास है कि जो साई बाबा ने हमें गुरु मंत्र दिया है, प्रारंभ करो और जारी रखो, इसके साथ हम ध्यान और धारणा के साथ भगवद गीता को सीखना है और साई बाबा ने जो हमें जीवन गीता दी है उसको हमें आजमाना है। हमारे खुद के जिंदगी से हमें इन सब विचारधाराओं के प्रति सजग होकर जीना है। आज मैं जो विचार दे रहा हूं उसको आप शांति से सुन लीजिएगा। मैंने बहुत पहले कहा था कि मैं कोई मनोरंजन के लिए ये नहीं कर रहा हूं। आपके जीवन में बदलाव लाना, यही साई वाणी का उद्देश्य है और यही क्रांति है। इसलिए कुछ कर गुजरने के लिए मौसम नहीं, मन चाहिए, साधन तो जुट जाएंगे, संकल्प का धन चाहिए और वो संकल्प है ध्यान का संकल्प, साई क्रिया का संकल्प। और इसी विचारधारा के प्रति मैं बहुत विश्वास देके आपको कुछ बातें आज कहना चाहता हूं। और वो पहला विश्वास है कि आपको प्रारंभ करना है। किस चीज का प्रारंभ करना है, कौन सी अहम भूमिकाएं हमें निभानी है और हमारे जिंदगी का लक्ष्य अगर हमें पाना है तो उसके लिए हमें पूरी दृढ़ता के साथ कैसे कदम डालने हैं, इसी विचारधारा के प्रति हम आज जुड़ जाएंगे। मैं जितने भी बुक्स लिख चुका हूं वो सब बुक्स आप सभी लोगों के लिए है। वो ज्ञान में देना इसलिए चाहता हूं कि जो मैंने प्राप्त किया है, बाबा ने आशीर्वाद देके मुझे जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद मैं आप सबके तक बांटना चाहता हूं। यहां कोई कर्म कांड नहीं है, यहां जो भी है क्रिया और ध्यान के प्रति अपने को सजग होके जीवन में क्रांति लाना है और साईं बाबा के आशीर्वाद से बदलाव लाना है। कौन सी क्रांति, कैसी क्रांति, किस तरह से क्रांति, कैसे क्रांति होनी चाहिए और ये क्रांति के बीज है अपने अंदर, अपनी सांस के अंदर। और इसीलिए आज प्रारंभ करना है हमें साई क्रिया से। साई क्रिया का जो प्रारंभ मैंने किया है वो है श्वास के ऊपर और उसको मैंने उस दिन भ्रामरी तक आपको कहा था। उसके बाद हमें उज्जयी प्राणायाम के प्रति थोड़ा सा सजग होना है। कोई भी क्रिया, देखो एक चीज मैं आपको बहुत विश्वास के साथ आज कहता हूं, आपके नस नस में, आपके विचारों में, हर ऑर्गन में, ब्लड में, ब्रेन में, विचारों में, शक्ति में, सब जगह पे प्राणवायु है और प्राणवायु सिर्फ बाहर की शक्ति से मिलता है। बाहर की शक्ति कैसे अंदर आती है, सांस के माध्यम से। जितना आप निगेटिव हो जाते हो ना, आपको पता है प्राणायाम करने से बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे नकारात्मक सोच कम होके सकारात्मक सोच, डिप्रेशन से बाहर निकल के हम हमारे कार्य में जुट जाते हैं। हाँ, सही कहते हैं, क्योंकि जो नेगेटिव शक्ति होती है उसको बाहर निकालने का काम ये प्राण ऊर्जा करती है, साई क्रिया करती है। और आज मैं बहुत अहम पॉइंट कहने जा रहा हूं और वो है उज्जयी प्राणायाम। देखो बहुत सारे संस्कृत के ऐसे शब्द हैं, उन्हीं में ही ढेर सारा अर्थ छिपा हुआ है। हमें सिर्फ उस अर्थ को पाना है और समझ के हमें जीवन में साझा करना है, ना कि खाली समझना है। पंडित बहुत है, सिर्फ पंडित्य का अपने जीवन में अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं छोटी सी कहानी से शुरुआत करूं। ये कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है, आप अपने जीवन से उस कहानी को समझ लीजिए। ये कहानी किसी दूसरे की नहीं, अपनी खुद की कहानी है। और बताओ मैं क्या है, अपने जीवन से जानने की कला। हर कोई दूसरों के प्रति आज पीड़ित है, हर कोई सोचता है कि इसने वो किया, उसने ये किया, हर कोई दूसरे के बारे में 24 घंटा सोचता रहता है लेकिन खुद के बारे में कभी सोचता नहीं। और इसी के कारण तो इतनी सारी ढेर सारी समस्याएं खड़ी हो रही है। भाई और बहनों, एक गांव में एक फकीर, ऐसे ही दरबार में
जाता था, लोगों को संबोधित करता था। वो राजा ने देखा ये फकीर तो बहुत ज्ञानी है, क्यों ना हम उसको दरबार में रखें। तो फकीर राजा के नौते आने के बाद फकीर कहता है, देख मैं तेरे दरबार में रहूंगा तो नहीं, लेकिन तुझे जब भी समस्या आएगी मैं तेरे समस्या का हल करूंगा। क्या है ना, हमें बाबा आशीर्वाद देते हैं, हर बार बाबा साथ में नहीं होते, लेकिन जब आपको समस्या आती है ना, साईं बाबा अपने को आशीर्वाद देते हैं। और वो आशीर्वाद इसलिए देते हैं कि मेरा भक्त कभी दुखी ना हो जाए, उसकी पीड़ा, उसकी जो वेदना है, उसकी जो समस्या है, उसको वो चुटकी से दूर कर देते हैं। लेकिन भक्त ने भी कभी डगमगना नहीं चाहिए, हारना नहीं चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अब जब तक चलोगे, प्रारंभ कोई भी चीज का कठिन होता है। बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, जो आप नया काम शुरू करते हो, लोग तो बोलते हैं, बोलने का ही काम है उनका, बोलेंगे नहीं नहीं ऐसा थोड़ी ना होगा, ऐसे थोड़ी हो सकता है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और आप उस काम में अगर सक्सेस हो गए तो लोग कहते थे मुझे पता था एक ना एक दिन ये तो कुछ ना कुछ करेगा, मतलब वही लोग एकदम गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। उन लोगों के बारे में मत सोचना, आप अपने राह पे सोचना, अपने ऊपर सोचना, अपने बलबूते पे सोचना, अपने कदम पे सोचना, और सोच के नहीं, सोच के और काम करते करते आगे बढ़ना। आज का गुरु मंत्र यही है कि जब वो फकीर राजा को कहता है कि मैं तेरी समस्या का हल करूंगा, तेरे पास रहूंगा नहीं, तो राजा बोलता है जैसी आपकी मर्जी। और राजा के जीवन में बहुत सारे समस्याओं का वो हल करता है। लेकिन फिर भी राजा जब वो फकीर आता है तो उसको कहता है, अरे आज फकीर ने बहुत अच्छी तरह से मुझे सवाल का मेरे जवाब दिया, उनको अच्छा खाना दो, अच्छे कपड़े दो। ऐसे बरसों चलता है, 2-3-4 साल ऐसे चलता है। और उसके बाद एक दिन वो फकीर गुस्से से राजा को कहता है, तू राजा नहीं है, तू तो राजा की सिर्फ यहां खुर्ची पे बैठा हुआ आचार्य का बेटा है, आचार्य की औलाद है। कहानी थोड़ी सी अलग है लेकिन समझ लेना, आचार्य मतलब जो खाना पकाता है ना उसकी। ये तो राजा तो बहुत शौक हो जाता है, अरे फकीर मुझे ऐसा क्यों बोल रहा है, आज तक उसने एक भी वर्ड अपने मुंह से गलत नहीं बोला, और आज फकीर ऐसा क्यों बोल रहा है। राजा उस फकीर को कहता है कि तू ऐसा क्यों बोल रहा है मुझे बता। और फिर राजा के मन में सवाल उठते हैं, कुछ बुरा बोलने के बाद आपके मन में भी कभी कभी दुख होगा। मैं बहुत बार किसी मेरे आए हुए लोगों को मैं कहते समय कभी कभी चिल्लाता और डांटता भी उनको, लेकिन उसमें प्यार है, उसमें कोई आपके प्रति कोई दुख नहीं है। आपको मैं मीठी मीठी बातें करके भी बहुत इंटरटेनमेंट कर सकता हूं, मुझे करना ही नहीं है, जीवन में बदलाव लाना है। कल मेरा एक दोस्त मुझे कह रहा था, सुनील जी आपने कहा और हमने उसके ऊपर अमल किया, आज हम सक्सेस होने लगे हैं, हमें बड़ी खुशी मिलती है। यही तो सक्सेस है साईवानी का। आपके जीवन में जहां आप गलत है उसमें मुझे आपको कभी कभी रूठना भी पड़ेगा, चिल्लाना भी पड़ेगा, लेकिन भाई और बहनों आप बुरा मत मानिएगा, वो आपके जीवन में बदलाव लाने के लिए, आपके जीवन में क्रांति लाने के लिए है। फिर राजा ने इस तरह से राजा को बोलने के बाद राजा चिंतित हो जाता और अपनी मां से पूछता है कि देख राजा ने मुझे, फकीर ने मुझे पहली बार ऐसे बोला है, इसका अर्थ क्या है मां। फिर मां कहती, बेटा तुझे वो इसलिए ऐसा बोला कि 3-4 साल वो तेरा पूरा राज्य चला रहा है और तू उसको क्या दे रहा है, कपड़े दे रहा है, खाना दे रहा है। अरे बेटा तू सही में अगर राजा की तरह सोचता तो तुम उसको आज तक जहागीरी देके अपने दरबार में प्रधान बना देता। हम क्या देते हैं हमारे लोगों को, इससे हमारी नियत समझ में आती है। भाई और बहनों आपके पास जो भी है ना, बांटने की आदत रखो। खुशी, जो भी आपके पास प्रसन्नता है, ज्ञान है, नॉलेज है, धन संपदा है, विचार है, सिर्फ बांटना सीखो, राजा की तरह जियो, ना कि आचार्य की तरह जीने की आदत डालो। क्योंकि राजा वही होता है जो आपने पूरे जिंदगी में, साईं बाबा ने अपने भक्तों को सिर्फ और सिर्फ बांटा है। कभी बाबा ने कुछ इकट्ठा नहीं किया, लेकिन शिरडी में आज भी जाओगे कभी खाली हाथ नहीं आओगे, ना पेट से खाली आओगे, ना खाना खाने से कभी खाली आओगे, ना अपने कार्य में कुछ पाना चाहते हो बाबा के आशीर्वाद से खाली नहीं आओगे। आपका जीवन भरा भरा होगा, शांतिपूर्ण होगा, एक सौभाग्य का जो अलंकार होता है वो अपने विचारों से जुड़ा होगा। और इसलिए मैं आपको बहुत तहे दिल से कहना चाहता हूं कि शिरडी के चरणों में जाओगे, साई बाबा आपको आशीर्वाद देते हैं। क्यों आशीर्वाद देते हैं आपको, क्या है, क्या है आपके जीवन में? सबसे पहले बाबा का भक्त बनना है तो 5 चीजें आपके पास होनी ही चाहिए। वो इंसान हो, वो मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, वो मेरा व्यापारी मित्र हो, जो भी हो,
वो निर्व्यसन, बिल्कुल भी व्यसन नहीं करना है, किसी भी चीज की उसको लत नहीं होनी चाहिए, ना वो सिगरेट पिएगा, ना दारू पिएगा, ना कोई ड्रग्स पिएगा, ना कोई गांजा पिएगा, ना कोई बुरी चीज कभी कुछ नहीं करेगा, क्योंकि बाबा ऐसे गंदे लोगों को समय ही नहीं देते, आशीर्वाद ही नहीं देते। ये तो मैं छाती ठोक के कहना चाहता हूं, क्योंकि ये शरीर मंदिर है, और मंदिर में आप कभी गंदगी करोगे? आओगे शिरडी में आने के बाद कभी मंदिर में कुछ कचरा कूड़ा डालोगे? अपना शरीर मंदिर है, उसमें क्यों कचरा डाल रहे हो? मत डालो। दूसरी बात, साई का भक्त हमेशा प्रसन्न होना चाहिए, एकदम शांत प्रसन्न और बिना गुस्से वाला होना चाहिए। देखो, लगन करो, किसी काम से प्यार करो, लेकिन उसके प्रति लालच मत करो। भगवान ने चाहेगा तो वो चीज आपको मिलेगी, लेकिन उसके प्रति आप अगर ग्रीड करोगे, लालच करोगे, तो वो कभी नहीं मिलेगी। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण साई भक्त की जो क्वालिटी, जो गुण मैं बताने जा रहा हूं, वो है प्रारंभ करो, जारी रखो। आज एक, कल एक, परसों एक, तरसों एक, एक भी काम पूरा नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करो। एक गांव से एक बुद्ध गुजर रहे थे, और वहां एक नौजवान लड़का कुआं खोदने का काम कर रहा था। तो बुद्ध उसको पूछते, बेटा तू क्या कर रहा है? तो मैं कुआं खोद रहा हूं, मुझे कुआं खोदना है, उसमें मुझे पानी, मेरे खेती के पानी देना है, मुझे घर में पानी देना है, मेरी माँ को हमेशा तकलीफ होती है पानी लाने के लिए, इसलिए मैं घर के नजदीकी कुआं खोद रहा हूं। बुद्ध बोलते, वाह वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस, बट बेटा इतने 10 खड्डे क्यों खोदे? बोलता, मैंने इसीलिए खोदे क्योंकि मुझे कुआं के यहां पानी नहीं मिला। बुद्ध कहते, पगले, अगर तू एक ही जगह पे अभी तक ये कुआं खोदता रहता तो तुझे पानी मिल जाता। सीजनेबल करियर करने वालों का कभी करियर नहीं होता, दूसरों को देख के काम करने वालों का कभी हाँ, उनका आदर्श रखो, लेकिन आज एक, कल एक, परसों एक, तरसों एक, बीच को बोगे और दूसरे दिन उनका खोल के देखोगे उग गई कि नहीं, होगा पॉसिबल? नहीं होगा, उसको उगने में टाइम लगेगा। जीवन में भी करियर करने में समय लगता है, लेकिन एक बार अगर आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, आपको कोई रोक नहीं सकता। तीसरा और साई वाणी का सबसे बड़ा साई भक्त का गुण है, प्रारंभ करो, जारी रखो। एक चीज को शांति से, ठंडे दिमाग से सोच के तय करो, और फिर तब तक मत रुको जब तक उस चीज को आप हासिल नहीं करते, चाहे फिर जान चली क्यों ना जाए, लेकिन वचन नहीं जाना चाहिए। वचन की कटिबद्धता साई वाणी का सबसे महत्वपूर्ण गुण है, प्रारंभ करो, जारी रखो। तीसरा, चौथा, सबसे महत्वपूर्ण, एक ही वचन होना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा। साई बाबा का आशीर्वाद और खुद के ऊपर भरोसा, पहुंच जाओगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। और पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण क्या है पता है? साई ध्यान, साई क्रिया, और सबसे महत्वपूर्ण है साई वाणी को सुन के अपने जीवन में सकारात्मक सोच को लाना। कुछ खर गुजरने के लिए मौसम नहीं, इसलिए तो मैं कहता हूं, ये विचार है भाई और बहनों, ये कोई ऐसी टिप्पणी नहीं है, इंटरटेनमेंट नहीं है, बिल्कुल जीवन में क्रांति करनी है, और क्रांति कभी होगी। मैंने इतना बड़ा देवलगांव गाड़ा में सोलापुर रोड पे हड़पसर से 40-50 किलोमीटर के आगे रोड पे ही एक साई वाणी का बहुत बड़ा सेंटर शुरू किया। वहां मेडिटेशन हॉल भी है, रहने के लिए भी आप सबको लिए थोड़े दिन में रूम तैयार हो जाएंगी, और जब आप वहां साई ध्यान के लिए, साई क्रिया के लिए, और आपके जीवन में रिचार्ज होने के लिए आओगे, शिरडी का साई बाबा का दर्शन करोगे, 4 दिन का मेडिटेशन करोगे, जिंदगी भर आपको किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यही पूंजी, यही शक्ति आपको आगे लेके जाएगी। उसके आगे का ये 5 गुण होने के बाद, ये 5 चीजें आपके अंदर आने के बाद, फिर कोई भी साई भक्त को साई बाबा आशीर्वाद देंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूं, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि हमें क्रांति करनी है, जीवन में बदलाव करना है। इसीलिए मैं फिर से कहूंगा, ये पंढरी की जो वारी होती है भगवान को पाने के लिए, जो 7-8 लाख लोग आलंदी से लेके पंढरपुर तक चले जाते हैं, हमारे पूरे विश्व से साई भक्त शिरडी के बाबा के समाधि के ऊपर अपना मत्था रखने के लिए आते हैं, आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। आज मैं प्रारंभ करना चाहता हूं इस जगह से कि आपको जुड़ना है हमारे साथ, saiwanitrust.org e-commerce से आपको हमारे साथ जुड़ के काम करना शुरू करना है। अपने अपने एरिया में, अपने अपने इलाके में, अपने अपने मोहल्ले में, अपने अपने परिसर में आरोग्य, अन्न, वस्त्र, निवारा, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और आरोग्य के प्रति कटिबद्ध होके साई वाणी की इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ के हमें जीवन में क्रांति करनी है। मैंने जो पहला प्रयास किया है, मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों को घर मिले, क्योंकि देखो हम आपको एक ही बात कहना चाहते हैं, जब अपना मंदिर, अपना मन, अपना विचार, अपना शरीर, अपनी कार्य, अपनी कृति, अपना विश्वास, अपना त्याग, अपना समर्पण जब एक होगा,
कोई भी चीज मुश्किल नहीं है। आत्मविश्वास और दृढ़ता से कदम रखोगे, कदम कदम से पहुंच जाओगे, क्योंकि एक कदम डालोगे हजारों कदम पहुंच सकते हो। जिसको एक कदम डालने की आदत लग गई उसको हजारों कदम मुश्किल नहीं लगते, लेकिन जिसको एक भी कदम उठाना नहीं है और सिर्फ मनगढ़ंत कहानियां बना के बिना कार्य के जीना है, उसके लिए कुछ भी नहीं है। भगवान भी उसको आशीर्वाद नहीं देंगे। अभी बाढ़ का समय है, बारिश का समय है, बहुत सारे गांव में बाढ़ आती है। ऐसे एक पंडित एक गांव में प्रवचन देने जाता है, और जब प्रवचन देने जाता है तो पंडितों को तो आजकल बहुत एक अलग प्रकार की आत्मविश्वास और दृढ़ता होती है, होनी भी चाहिए, गलत क्या है। लेकिन याद रखना, भगवान एक ही बात सिखाते हैं, नम्रता और लीनता, ज्ञान और संपर्क। जिस पेड़ को बहुत फल लगे रहते हैं ना, वो पेड़ हमेशा झुका रहता है, कभी ऐसा अकड़ा हुआ नहीं होता, क्योंकि अकड़ा तो मुर्दे की गुण है, लौचिकता हो तो ये जिंदा इंसान की ये काबिलियत है। भाई और बहनों, वो पंडित कहता है मैं इस गांव में प्रवचन देने आया हूं। इत्तेफाक उसी समय क्या होता है, गांव में जो ऊपर तालाब होता है उसका बांध फूट जाता है, टूट जाता है, और सब लोग कहते हैं बाबा अब यहां बांध टूट रहा है, पानी आएगा, हम सब बह जाएंगे, चलो यहां से निकलते हैं। भगवान कहता है अरे मैं तो भगवान का आदमी हूं, पंडित कहता है मुझे कुछ नहीं होगा, आप चले जाओ। वो लोग चले जाते हैं बेचारे। थोड़े समय के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग आते हैं और कहते हैं महाराज हे पंडित जी यहां पानी आ रहा है, आप चले नहीं तो आप बह जाओगे। बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तो भगवान का आदमी हूं, मैं मुझे भगवान का इतना मैंने पांडित्य किया है, ज्ञान आत्मसात किया है, आप चिंता ना करें, आप चले जाइए। थोड़े समय के बाद हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन के लोग आते हैं और कहते महाराज चलो उठो, पंडित जी उठो नहीं तो पानी आएगा, आप बह जाओगे, मर जाओगे। और वो उनका भी नहीं सुनता है। फिर थोड़े समय के बाद पानी उनके ऊपर से बह जाता है और वो पंडित मर जाता है। अब इतना अच्छा कार्य किया है तो भगवान के पास स्वर्ग में पहुंच जाता है। कहानी भले मनोरंजक होगी लेकिन सुनना जरूरी है। अब जैसे ऊपर पहुंच जाता है तो भगवान को पंडित शिकायत करते हैं। पंडित कहते हैं भगवान पूरी जिंदगी मैंने आपकी आराधना की और आपने मुझे मार दिया, ऐसा क्यों मेरे साथ किया। भगवान हंसते और कहते पगले 3 बार तुझे बचाने की कोशिश की, पहले मैंने गांव वालों से कहवाया, फिर मैंने रेस्क्यू ऑपरेशन से लोगों से कहलाया, फिर मैंने हेलीकॉप्टर में आए हुए मेरे नौजवानों को कहा, फिर तूने नहीं सुना। साईं बाबा भी किसी अच्छे सदगुरु से, अपने बड़े माँ बाप से, भाई बहन से, किसी अच्छे टीचर से, किसी अच्छे ज्ञानी व्यक्ति से आपको समझाने की बात करते हैं कि बेटा ये गलत मत कर। आप कहोगे यार इससे क्या होगा, जैसे मैंने अभी कहा कि शरीर शुद्ध रखो, कुछ भी व्यभिचार मत करो, काम क्रोध मद बस्तर लोभ अहंकार शरीर कर्म को फेंक दो, अभी तैयार हो जाओ, क्योंकि अभी नए पर्व से शुरू होने वाली है। 15 अगस्त 2023 से हम साई वाणी का असली रूप में पूरे विश्व में जाके प्रारंभ करके हजारों करोड़ों सेंटर के अभी जो शाखाएं बनी है उससे हम जुड़ रहे, क्योंकि ये कार्य होगा। परसों मेरा दोस्त शिखर संभव ने एक न्यूट्रीनोवा का एक हल्दी का पानी गोल्डन ऑर्डर बोल के लॉन्च किया और उसने हजारों करोड़ों भक्तों ने अभी साई वाणी का ये अमृत तुल्य प्रसाद बोल के ले रहे, क्योंकि हल्दी में ताकत है, टर्मरिक में ताकत है, हमें हमारी ह्यूमिनिटी बढ़ानी है, यही हमारे लिए पूजा है। यही तो साई बाबा ने अलग अलग रूपों में आपको कहा है। मैंने ये कहानी इसलिए कही है कि हमारा बोध है बाबा के विचार, और आप कहोगे नहीं मुझे साई बाबा आके मेरे को उठाएंगे और मुझे अमीर बनाएंगे, नहीं, अमीर बनाने का रास्ता वो देंगे, आपको सिर्फ चलना पड़ेगा और तब तक नहीं रुकना है जब तक आप बनते नहीं है। प्रारंभ करो और जारी रखो, कुछ नहीं है, प्रारंभ करना है, जारी रखना है, इसी बात को तो कहते हैं साई वाणी। उठो चलो आज मेरे साथ प्राणायाम करो 3 बार मेरे साथ, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय, ओम साई राम। आस्था भजन संतों के संग।
मन की सफाई होती है ऐसे ही दरबार में बैठकर सच्चे गुरु के आगे उनके निष्काम कर्म फल के वाइब्रेशनल एनर्जी द्वारा ही मन साफ होता है, ताकत मिलती है मन को वो अपनी ओर जाके अपनी बुराई को देखे उसको एक्सेप्ट करे और उसको साफ करने में लग जाए। लो ना हाथ में झाड़ू, लो ना हाथ में साबुन, लग जाओ अपने मन की सफाई में और सफाई की अपनी ही ऊर्जा होती है। हम दिवाली पे क्या बोलते हैं, क्या करते हैं कि माता लक्ष्मी कहां नहीं जाएगी, जहां पे गंदगी हो, जहां पे मन का मुटाव ठीक नहीं हो, मन मुटाव हो, तू और मैं हो, वहां पे माता लक्ष्मी, तू मैं का भाण, do you understand what is तू और मैं का भाण, भाण of duality, sense of duality, now what I am